समाजवादी सरकार में मोहम्मदन का बोलबाला था। कोरोना काल से लेके अब तक महीने में दो बार राशन मिल रहा है गरीबों को। इस सरकार में हम लोग बहुत सुकून मान रहे हैं अपने आप को। जी नमस्कार, मैं अश्विनी पांचजन्य के फेसबुक पेज पे आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियाँ बड़ी जोरों से हैं। चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में राजनीति की चर्चा अब आम हो चुकी है। चूँकि चुनाव नज़दीक हैं, स्वाभाविक है राजनीतिक बात, राजनीतिक चर्चा होगी। ऐसे में हम लखनऊ निकले हैं। लखनऊ के दैनिक जागरण चौराहे पर ललिता जी, जो कि अयोध्या जी के निकट फैजाबाद के हैं, राजनीति की नब्ज बता रहे हैं। क्योंकि हर दिन वो सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और जूता पॉलिश का काम करते हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ लोग आना जाना उनका बना रहता है और वो राजनीतिक चीज़ों पे अक्सर चर्चा भी करते हैं और उनकी नब्ज जानने की कोशिश करते हैं। ललिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पे। ये इस समय योगी कैसा चल रहा है शासन सत्ता? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। अब कोरोना काल से लेके अब तक महीने में दो बार राशन मिल रहा है गरीबों को। अच्छा। हाँ, और हम लोगों को नगर निगम की तरफ से एक दो किस्त, एक एक हज़ार रुपए भी मिले थे, इसलिए कि हम लोग दुकान नहीं लगा पा रहे थे। और इस सरकार में हम लोग बहुत सुकून मान रहे हैं अपने आप को। आपके पास तो बहुत सारे लोग हर दिन आते होंगे। हाँ हाँ, हाँ तो कैसा माहौल बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत शांति है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, पहले जब 2014 या 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें होती थी, समाजवादी की सरकार थी, तो कैसा माहौल था? समाजवादी सरकार में मोहम्मदन का बोलबाला था, बस सुनवाई उन्हीं की थी। हम एक बार कालीदास मार्ग गए थे मुख्यमंत्री आवास, तो वहाँ खाली मोहम्मदनों को बुला के अंदर उन्हीं की सुनवाई होती थी। तो आपकी क्या सुनवाई नहीं की थी उन्होंने? हमको बुलाया नहीं गया, ना हमारा एप्लीकेशन लिया गया। क्या काम था आपका? था वो हमारी वाइफ पे कैंसर था, उसी उपलक्ष में गए थे। अच्छा, तो उन्होंने उनसे मिलना चाह रहे थे आप? हाँ, कोई नहीं मिला हमसे। फिर आगे एक बैठे थे, वहीं कागज़ दे के चले आए थे। तो उसके बाद जब हमारी वाइफ ख़त्म हो गई, तब वहाँ से इंक्वायरी वाले आए थे। हाँ, तो मोहल्ले वालों ने बता दिया आप तो इसकी वाइफ ख़त्म हो गई, तो वो इंक्वायरी वाले चुप्पे वापस चले गए। हाँ, समाजवादी सरकार में। अच्छा, तो पहले जो आप बता रहे हैं कि मोहम्मदनों का शासन था या मोहम्मदनों की सुनी जाती थी, तो और क्या क्या उस समय ऐसा चीज़ें थी जो लगता था आपको कि हम लोगों की नहीं सुनी जाती थी? हाँ, हम लोगों की नहीं सुनी जाती थी, लेकिन पहले उनकी सुनी जाती थी, तब बाद में हम लोगों की। अब योगी सरकार में किसकी सुनी जा रही है? अब सबकी सुनी जा रही, चाहे मोहम्मदन हो, हिंदू हो, जो भी हो, वो सबकी सुनते हैं। अब आप तो चूंकि बता रहे हैं फैजाबाद हैं, अब तो अयोध्या हो चुका है वो, तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों का सपना पूरा हो गया। अच्छा। हाँ, और वो अखिलेश यादव या उनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोलियां भी चलवाई थी। हाँ, याद है इस बात को? हाँ याद है भैया, ये बिल्कुल याद है, तब भी हम यही काम कर। तो ये 2000 जो अभी चुनाव होगा उसमें याद रहेगा? अरे बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, और क्या क्या देखते हैं इस सरकार में? जो योगी और मोदी, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप खेती किसानी से भी जुड़े रहे हैं, तो कैसा असर है? गांव के हम किसान ही हैं जी, और यहाँ मोचीगिरी करते हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे योगी और मोदी किसानों की विरोधी हैं, क्या कहते हैं? नहीं, विरोधी नहीं है, किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्या कहे, विरोधी नहीं है वो, कितनी बार वो पैसा भेज रहे हैं खेत के ऊपर, लोग पैसा भी पा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि वो किसानों के विरोधी हैं। अब और आगे क्या कहें। ललिता जी हमारे साथ जुड़े हो, ललिता जी बता रहे हैं कि मोदी और योगी किसानों के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वो किसानों के लिए समर्पित हैं और किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बस समस्या है कि जो किसान हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, और राम मंदिर से वो बेहद आह्लादित हैं और कह रहे हैं कि हमारा सपना पूरा हो गया है। ऐसे ही हम आपको लखनऊ से जुड़े लोगों से बात कराते रहेंगे, और लखनऊ के जो आम नागरिक हैं कैसे वो राजनीति को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव पे वो क्या कहते हैं, हम आपको बराबर बताएंगे। नमस्कार।